2024 के चुनाव के चक्कर में दो प्रदेश मिल गए, मनीष कश्यप पिस गए। मनीष कश्यप ने खुद तमिलनाडु में विजिट किया, खुद वहां गए हैं, मनीष कश्यप गए हैं, उनका कहना था कि वहां विजिट किया और उनकी वजह से मौतें हुई, उनका कहना है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किया गया, बिहार से किया गया, वहां से किया गया, तो ये क्या तमिलनाडु के केस इकट्ठे बिहार कर दिए जाएं, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के बारे में बोला जा रहा है कि मनीष कश्यप राजनेता हैं या पत्रकार हैं। बिहार सरकार ने कहा इज अ पॉलिटिशियन, वो कह रहा है ये फॉलोअर नहीं है, राजनीति के समर्थक लोग हैं, ये राजनेता है, पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार ठीक उसी तरह होता है जैसे सूरज की रोशनी होती है, बीमारियों को दूर भगाता है। पत्रकार कुकर में सेफ्टी वॉल्व की तरह होता है। अगर पत्रकार नहीं लोकतंत्र में होगा तो कुकर जैसे फट सकता है, अगर सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा वैसे लोकतंत्र भी फट जाएगा। कपिल सिब्बल जी की दलीलें क्या थी? दलीलें उनकी यही थी कि 6 केस हैं, URL नंबर अलग अलग, FIR के कंटेंट्स अलग हैं, इसलिए क्लब नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए और NSA लगा हुआ है, उसको चीज़ें फाइल करेंगे। तमिलनाडु ले जाया गया, तमिलनाडु में ले जाके ज़बरदस्ती रासुका NSA लगाई गई, रात के 9 बजे कोर्ट खुलवाई गई, वापस बिहार भेजा जा रहा था मनीष कश्यप को, फिर वहीं रोका गया रात में, अगले दिन सुबह कोर्ट खुली, उसको NSA लगाया गया। हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है, मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी के बीच में आज कोर्ट में सुनवाई थी, जो कि यहाँ पे हमारे साथ तभी वकील साहब हैं, मैं जानूंगा इस चीज, हर चीज़ जानूंगा कि आखिर आज तक हुआ क्या है अभी तक, और सारी बातों साहब से रखूंगा। हालांकि मैं बता दूं कि जो विपक्ष के वकील हैं कपिल सिब्बल जी, इनके साथ विपक्ष भी खड़े रहते हैं और बातों पर तर्कों पर ध्यान दे करके दोनों अलग अलग तरीके से अपने मुद्दों को रख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। नहीं देखिए, कपिल सिब्बल जी अभी 3 दिन हमारे साथ थे, सेम सेक्स मैरिज में हमारे साथ थे, अलग अलग विचारधारा कौन किसका किसकी तरफ से है, वहाँ मेरिट की बात है। हम जानना चाहेंगे आज जो सुनवाई हुई है उस पर क्या हुआ अभी तक? आज सुनवाई हुई उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किया गया, बिहार से किया गया, वहाँ से किया गया, तो ये क्या तमिलनाडु के केस इकट्ठे बिहार कर दिए जाएं, क्या ऐसा हो सकता है ऐसा किया जाए, तो उस पर तमिलनाडु ने सरकार ने कहा कि केवल ये वीडियो अपलोड का मामला नहीं है, केवल वीडियो अपलोड नहीं हुआ, अलग अलग URL नंबर हैं। एक चीज़, मनीष कश्यप ने खुद तमिलनाडु में विजिट किया, खुद वहाँ गए हैं, मनीष कश्यप गए हैं, उनका कहना था कि वहाँ विजिट किया और उनकी वजह से मौतें हुई, उनका कहना है। तो अब इसमें NSA लगाया गया, NSA हमारी यहाँ याचिका सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल हुई थी तब NSA नहीं था, अगले दिन जब मेंशनिंग हुई तब NSA की बात पता चली, तो अब NSA पे अमेंड होगी याचिका, पिटीशन अमेंड होगी, तो साथ साथ में उसको काउंटर एफिडेविट भी तमिलनाडु सरकार को देना होगा, क्योंकि NSA तमिलनाडु ने लगाया है, ये उनका कहना था कि इस तरह से ये सारा कुछ हम करेंगे। बिहार सरकार का कहना था कि 8 केस इस केस से पहले है मनीष के ऊपर, ही इज़ ए हैबिचुअल ऑफेंडर, इसकी आदतन हो गई, मतलब प्रोफेशनल अपराधी हो गया जैसा उनका ये कहना था, तो इसमें ये है ये चीज़ें। दूसरी बात एक निकल के आई, हमें था कि 2 केस तमिलनाडु में हैं लेकिन वहाँ टोटल 6 केस हैं तमिलनाडु में, 6 केसों का पता चला है, ये सब चीज़ें हैं सामने। तो उन्होंने कहा आप नेक्स्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रही है, मंडे को से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चलेगी, तो उन्होंने कहा इसको फ्राइडे को सुनेंगे इस केस को, आप तब तक काउंटर एफिडेविट फाइल करिए और उसमें वो चीज़ करिए। ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के बारे में बोला जा रहा है कि मनीष कश्यप राजनेता हैं या पत्रकार हैं। बिहार सरकार ने कहा इज अ पॉलिटिशियन, राजनेता है, अब कोई पत्रकार बेस क्या है उसका, वो पहले राजनेता है या पत्रकार है, वो कह रहा है ये फॉलोअर नहीं है, राजनीति के समर्थक लोग हैं, ये राजनेता है, पत्रकारिता नहीं है, ये वो अपनी बात को छिपाने के लिए कह रहे हैं, उन्हें पता है पत्रकार का गला नहीं घोटा जा सकता, पत्रकार को दबाया नहीं जा सकता, पत्रकार को बोलने से नहीं रोका जा सकता, पत्रकार की ID को कुचला नहीं जा सकता है, पत्रकार ठीक उसी तरह होता है जैसे सूरज की रोशनी होती है, बीमारियों को दूर भगाता है, पत्रकार कुकर में सेफ्टी वॉल्व की तरह होता है, अगर पत्रकार नहीं लोकतंत्र में होगा तो कुकर जैसे फट सकता है, अगर सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा वैसे लोकतंत्र भी फट जाएगा, अगर पत्रकार सच्चाई को दिखाने वाला नहीं होगा, अगर एक पक्षीय होगी, केवल सत्ता अपनी बात करेगी, विपक्ष की बात नहीं आएगी, विरोध की बात नहीं आएगी, तो फिर दुखद है लोकतंत्र के लिए, इसलिए वो पत्रकार को छुपाना चाहते हैं, पत्रकार को मानना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पत्रकार को मानेंगे तो पत्रकार तो विजिट भी करेगा, घटनास्थल पर भी जाएगा, मौके पर भी जाएगा, वीडियो भी बनाएगा, दुखी लोगों से भी मिलेगा,
फरियादी लोगों से ही मिलेगा, मृतकों से भी मिलेगा, सरकार से भी मिलेगा, मुख्यमंत्री का भी इंटरव्यू लेगा, पुलिस का भी इंटरव्यू लेगा, एसपी का भी इंटरव्यू लेगा, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेता है तो नेता की अलग बात है। कपिल सिब्बल जी की दलीलें क्या थी? दलीलें उनकी यही थी कि 6 केस हैं, यूआरएल नंबर अलग अलग है, एफआईआर के कंटेंट्स अलग हैं, इसलिए क्लब नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और एनएसए लगा हुआ है, उसको चीज़ें फाइल करेंगे वो करेंगे। तो क्या लगता है कि क्लबिंग नहीं होगा उसका? होगा। एस्ट्रोलॉजर क्यों बन रहे हैं आप भी और हमें भी एस्ट्रोलॉजी क्यों बनाने हैं? अब आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। सवाल बनता है सर, चीफ जस्टिस होगा क्यों नहीं होगा? एक एफआईआर, एक कंटेंट्स, एक वीडियो अपलोड किया गया, मदर कोर्ट पटना है, ट्रांजिट रिमांड पटना से लिया गया, बिहार से लिया गया, तमिलनाडु ले जाया गया, तमिलनाडु में ले जाके जबरदस्ती रासुका एनएसए लगाई गई, रात के 9 बजे कोर्ट खुलवाई गई, वापस बिहार भेजा जा रहा था मनीष कश्यप को, फिर वहीं रोका गया रात में, अगले दिन सुबह कोर्ट खुली, उसको एनएसए लगाया गया, ये सब कुछ सामने आया, रिकॉर्ड है। अभी मनीष कश्यप तमिलनाडु में ही रहेंगे या फिर बिहार में आएंगे? नहीं, अभी तो मदुरई जेल में है, अभी मदुरई जेल में है, अभी सुनवाई हो रही। मदुरई भी जेल हमारे देश की जेल है, कोई पाकिस्तान की जेल थोड़ी। आप तो किसने कहा पाकिस्तान की जेल? नहीं, मैं कह रहा हूँ की जेल है। तमिलनाडु हमारा प्रदेश है, प्यारा प्रदेश है, अच्छा प्रदेश था। 2024 के चुनाव के चक्कर में दो प्रदेश मिल गए, मनीष कश्यप पिस गए, ये हुआ है कि 2024 का चक्कर पड़ रहा है, ये हो गया घटना। 2024 को चुनाव ना होता, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के, तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार को ना बनाते, स्टालिन जी के जन्मदिन पे ना मिलते, सारे विपक्षी ना इकट्ठे होते, सारे विरोधी इकट्ठे ना होते मोदी जी के लिए, तो मनीष कश्यप उसमें नहीं पिसता। गेहूं के साथ घुना पिस रहा है, कभी कभी बथुआ के साथ, गेहूं के साथ बथुआ को पानी भी लग जाता है, एनएसए खाद भी लग जाता है। एनएसए पे सवाल करेंगे सर, पिस रहा है एनएसए। एनएसए जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल एनएसए है, हालांकि और केसों में जमानत मिल सकती थी, लेकिन जो एनएसए लगने के बाद ऐसा हो रहा है कि अभी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, लेकिन एनएसए के लिए आप लोग ने क्या किया? अरे एनएसए के लिए मिलेगी ना जमानत, एनएसए के लिए संत राम, हमारे क्लाइंट संत रामपाल दास बरवाला कांड हुआ था, 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया है, तो एक है बच्चा है ये मनीष कश्यप, 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया था हरियाणा सरकार, वहाँ भी सरकार और संत रामपाल दास जी की चल गई, खट्टर जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें 950 लोगों पर लगा दिया, नेपाली लोगों पर लगा दिया, बच्चों पर लगा दिया, महिलाओं पर लगा दिया, सब निकले, बेल हुई, बाहर हुए, सब बाहर, सबके सब बाहर हुए। तो ऐसा आपके कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में याद है हाथरस केस क्या हुआ था? सबने मांग की फांसी दो, आपने भी मांग की होगी फांसी दो, फांसी दो, आप भी गए होंगे करने, लेकिन क्या हुआ? मैं कह रहा था उस दिन भी, ये मर्डर नहीं है, रेप नहीं है, गैंग रेप नहीं है, जातिगत हिंसा नहीं है, प्यार है दोनों लड़के लड़कियों में, किसी जाति के भी हो सकते हैं प्यार करने में, लेकिन वहाँ बरी हुए, अलीगढ़ से बरी हुए, झगड़ा केस रहा, एक व्यक्ति को, एक लड़के को झगड़े में कन्विक्ट किया गया, बस ये हुआ ना सच्चाई साबित। अब आप लोग तो पहले से पूरा बना देते हो पीक पे क्या होगा क्या, लेट देम वेट एंड वॉच। हाईकोर्ट अलीगढ़ ने अंडरवल, अलीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बरी किया ना उन्हें, स्वामी चिन्मयानंद पूर्व गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, अटल जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में उन पर केस लगा दिया गया, राजनीति के चलते शिकायतकर्ताओं को भी बंद कराया, वो भी बंद हुए, पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को बंद हुआ, बेल हुई, बाहर हुए, बरी हुए। राममूर्ति वर्मा प्रकरण हुआ, सीबीआई जांच, सरकारों की जांच, कांग्रेस आज जो सरकार में साथ बैठे ना उनके, वो उनके विरोध में थे राममूर्ति वर्मा के, बड़ी लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट आया मामला, राममूर्ति वर्मा उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री थे, सांसद थे, बाहुबली सांसद थे, टीवी पे चलता था मूंछें तनी हुई फोटो, क्या हुआ? बरी हुए, खत्म हुआ केस। बड़े बड़े केस लगते हैं, कंप्यूटर बाबा पे इंदौर में कितने केस लगा दिए, मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, भाजपा के भी मंत्री रहे, कांग्रेस के भी मंत्री रहे, अब नेता और बाबा जी की बिगड़ गई किसी बात को लेकर, बिगड़ गई तो केसों की लाइन लग गई, जब लाइन लग गई तो हमारी जरूरत पड़ी, हम पहुंचे, वहां बेल हुई, बाहर लेके आए। अगली सुनवाई कब है सर मनीष कश्यप की? अगली सुनवाई नेक्स्ट फ्राइडे को, फ्राइडे को सुनवाई होगी सर। उसमें क्या होगा, एनएसए के लिए क्या किया गया? एनएसए के लिए एडिशनल जो पिटीशन है, अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट के बाद आगे प्रोसीडिंग होगी, अमेंडमेंट बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।